दोस्तों OMG 2 मूवी का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में मिलेंगे और बहुत सारे लोग इसे पॉजिटिव वे में मिलेंगे, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कौन से वे में लेते हैं। ऐसे तो ट्रेलर एक बहुत अच्छे सोशल इशू पे बनाया गया है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करने से भी शर्माते हैं, पर ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर का गट्स हमें देखना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत किया इसके ऊपर फिल्म बनाने का, तो हमें उन्हें भी अप्रिसिएट करना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि ये मूवी OMG 2 ओ माय गॉड का पार्ट 2 है, पर बाकी सीक्वल मूवी की तरह इसमें कहानी मिलता जुलता नहीं है। जहां हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कहानी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था और वहां पे भगवान के ऊपर ही केस कर दिया गया था, अर्थ क्यों कहानी की वजह से उसकी मूर्तियां टूट गई हैं, तो वहीं इस बार का कहानी बहुत ही अलग है। जहां पे इस कहानी के किरदार पंकज त्रिपाठी, जो कि इस बार सिस्टम के अगेंस्ट ही केस करते हुए दिखेंगे और सिस्टम के अगेंस्ट ही लड़ जाएंगे, उनका बेटा जो कि एक स्कूल में पढ़ता है और उस पे सोशल इशू के कारण उसे बहुत सारे लोग उसे स्कूल से निकालना चाहते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, और यही देखकर पंकज त्रिपाठी जो है अपने बेटे को सपोर्ट के लिए कोर्ट तक जाते हैं और कोर्ट में ये बात रखते हैं कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत बदलने की जरूरत है, वो इतने छोटे छोटे बात के लिए इतना बड़ा बतंगल क्यों बनाते हैं। वही पूरा हमें देखने को मिलेगा कोर्ट ड्रामा, जैसे कि उसमें कोर्ट में जाकर पंकज त्रिपाठी जो है स्कूल के अगेंस्ट केस करते हैं और वही स्कूल की तरफ से भी एक वकील हायर किया जाता है, इन दोनों के बीच बहस देखने को मिलेगा। और वही अक्षय कुमार जो कि भगवान शंकर के दास का किरदार करते हुए दिखने वाले हैं, वो सपोर्ट करते हुए दिखेंगे पंकज त्रिपाठी को और बताएंगे कि सोशल इशू के बारे में और सनातन धर्म के बारे में, जो कि इतना पुराना धर्म है और फिर भी लोग अभी छोटे छोटे बात पे इतना ज्यादा ऑफेंड होते हैं, पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बात को कैसे लेते हैं। और ट्रेलर भी काफी मुझे पसंद आया और बहुत सारे लोग ने ये कहा है कि गद्दर के साथ ये चल नहीं पाएगा, पर कहानी देखने के अनुसार गद्दर जो है वो बहुत ही ज्यादा मास गेन वाला फिल्म है और ये जो OMG 2 है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा पे है और इसे देखने में हमें काफी ज्यादा इंजॉयमेंट भी मिलेगा, तो बहुत ही कम चांसेस है कि यह फिल्म की कमाई ना हो पाए, पर अगर अपने अपने जोन में देखा जाए तो ये दोनों ही फिल्म सुपरहिट हो सकती है। और अभी हम नहीं बता सकते कि ट्रेलर देखकर फिल्म कितना दमदार है, ये भी हो सकता है कि ट्रेलर दमदार हो और फिल्म में कोई दम ना हो, या ये भी हो सकता है कि फिल्म ट्रेलर ज्यादा दमदार हो, तो ये हम नहीं बता सकते हैं। और आपका इस पे क्या मानना है ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।